वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, मनू पता चलिया है कि सरदार हरमनजीत सिंह ने मेरे खिलाफ अपशब्द बोले हैं। सरदार हरमनजीत सिंह जी, इन्ना हंकार जड़ा है वो चंगा नहीं लगता। गुरबाणी विच कहा गया है, हौ मैं दीर्घ रोग है दारू भी इस माए। इन्ना हंकार करना यह आप जी नूं शोभा नहीं देंदा। साध संगत जी, दास ने अते उसके कमेटी मैंबरस ने 4,10,00,000 की प्रॉपर इनू स्टेटमेंट दिती है, जिसे इस बैंक डिफरेंट बैंकों का नाम लिखा है, अमाउंट लिखा है। तो यह पहले ही कह रहा है कि 3,31,00,000 रुपया। यदा मतलब है 79 लैक्स का यह पहले ही गबन कर रहा है और जालसाजी कर रहा है। यह तो क्लीयर नज़र आ रहा है। साध संगत जी, सरदार हरमनजीत सिंह जी कहते हैं कि 50,00,000 रुपया का खर्चा मैं प्रिंसीपल रूम वास्ते, चेयरमैन रूम वास्ते अते कॉन्फ्रेंस रूम वास्ते खर्च किया है। एड्डी वड्डी रकम क्या कॉरपोरेट ऑफिस इसने बनाए हैं जो इतना खर्चा किया है? मेरे टाइम ते साध संगत जी 1800 बच्चे सन, और इसने किन्ने बच्चे वधाए हैं वो मैं दस रहा कि हूँ जोड़े बच्चे ने स्कूल दे विच वो 1350 बच्चे हैं, 450 बच्चा वो कट गया है। यदि उपलब्धि है, यदि अचीवमेंट हैगी है साध संगत जी। जिहड़ा हरमनजीत सिंह ने हिसाब दिता है कि मैं बसा खरीदिया हैं, कि साढ़े टाइम से 3-4 बसा दे जिहड़ा खर्चा होया, क्या इसने पैसे दिते हैं? साढ़े टाइम भी तो बसा खरीदिया गई हैं। और ये कह रहा है कि 18 टीचर की रिटायरमेंट हुई है। साध संगत जी, यह झूठ बोल रहा है सरासर। 18 नहीं, केवल 10 टीचर रिटायर हुई हैं, कि साढ़े टाइम तो टीचर रिटायर नहीं होंदिया सी, तो उन्होंने असं अपने प्रॉफिट चो पेमेंट करते सना। तुसी बसा खरीदियाँ, तुसी टीचर्स नूं पेमेंट की, तुसी कमरे बनवाए, इसका सारा खर्चा दस रहे हो। तो असी जेडे 16 कमरे बनाए हैं तो वह प्रॉफिट विचों ही बनाए हैं। इस तो साफ दर्शाता है तुसी कोई कमाई नहीं की। एदा मतलब है कि तुसी 100% फेल हो। तुसी सारे पैसे हैं जो असी FDs छड़ के गए हाँ, तुसी उहदे विचों खर्च कर रहे हो। मेरे वड्डे भरा सरदार हरमनजीत सिंह जी, तुसी कहा कि गुरु की गोलक गुरुद्वारे की 5,00,000 रुपया अप्रोक्सीमेटली हो गई है, तो यह 60 महीनों के 3,00,00,000 रुपया यह कितने गया है? कि यह भी हजम हो गया है? यह संगत नूं तो दसो। साध संगत जी, तुसी कहिंदे हो कि 1.5 करोड़ की FDR बची है। मनु नहीं लगता कि तेरे को 1.5 करोड़ की FDR है। अगर है तो संगत नूं दिखाओ FDR। अगर तुहाड़े कोल FDR है तो टीचर्स नूं तनखा दवो। जिहड़े बेचारे डेमोस्ट्रेशन करन ते उतारू हन, उन्हां नूं तनखा दो। और वक्त होर ते होर देखो, तुसी जिहड़े एडहोक इंप्लाइज हन, उन्हां नूं तुसी 1 पैसा भी नहीं दे रहे। क्या उन्होंने बाल बच्चे नहीं हैं? उन्होंने बच्चों नहीं पालना? साध संगत जी, यह बड़ी विडंबना की गल है कि अगर 1.5 करोड़ की पहले तो FDR दिखाए, अगर FDR इस को हैगी है तो टीचर्स को तनखा देवे। तनखा कहता है कि मेरे टाइम तो मैं 50,00,000 रुपया कोचर साहब छोड़ के गए सन रिगार्डिंग 6th Pay Commission के इंपलाइज का। साध संगत जी, मैं पूरे इंपलाइज को तनखा दे 6th Pay नाल पेमेंट करके आया। यह सरासर फ्राड पुना दिखा रहा है। यह कुछ भी नहीं है, यह फ्राड है। यह इन्ना पैसा खा रहा है। यह 50,00,000 रुपया मैं पूरी पेमेंट कर गया हूँ। मेरी भैन ने, मैं अपने भैन का हक न 100% दे के आया। यह सट्टिया गया है। यदि उम्र 90 साल की हो गई है, एनू पता ही नहीं भाई किहड़ियां गड़बड़ियां हो रही हैं, किहड़े धोखेबाजी हो रही हैं। सारा स्कूल का पैसा जिहड़ा है इन्हें खुर्द बुर्द कर दिता है। साध संगत जी, इस स्कूल को क्या स्कूल प्रॉफिट नहीं कमा रहे हूँ? क्या चीज़ा कह रहे मैं बसा लिया? क्या साढ़े टाइम से बसा नहीं खरीदी गई? क्या उसने साढ़े बसा की पेमेंट इन्हें की? साढ़े टाइम के टीचर रिटायर नहीं हुई कि उसने पेमेंट किन्नी की है? यह सारा कमरे असी बनाए 16, यह सारा प्रॉफिट चो असी किया। यह जरा दस रहा है कि मैं सारा पैसा जो असी FDR छोड़ के आया,
ये सारे का सारा पैसा वो यूज कर रहा है, यह मतलब यह 100% फेल हो गया है। मैं इनू बेनती करना हाँ यह स्कूल खत्म ना कर दे तो यह साइड पर हो जाए, और जोड़े मैं बंदे दसे हैं नाम ले हैं पहले इस स्कूल सपुरद कर दे, असी प्रॉफिट के सब कुछ कर लवेंगे साध संगत जी, जिमें पहले किया टीचर्स तनखा भी पूरे टाइम सिर देवे। साध संगत जी सरदार हरमन जी सी कहते हैं कि मैं 1,91,00,000 का अपने टेन्योर खर्च किया है। साध संगत जी तुसी आप जानते हो, तुसी आप देखिया है कि यह गौरमेंट लैंड के उत्ते जो पार्किंग बनाई है वह किसी का प्यो भी नहीं बना सकता, एंड केवल गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की बख्शिश हुई है जो यह काम होया है। यह काम किसी के वस का नहीं है। और तुसी कहा जी पार्किंग नू, पार्किंग दे सारी असी बना के आए, सारा असी खर्च किया है, और तुसी कह रहे हो कि यह पार्किंग में पखे नहीं लगा के गया। साध संगत सब नू पता है कि उत्थे मैं वाहिगुरु की कृपा नाल किन्ने कीर्तन दरबार कराए हैं, पंखे लगे सी ते तदी ते कीर्तन दरबार होए हैं। यह साध संगत जी जिन इन्ना झूठ जिहड़ा है इहनू नहीं बोलना चाहिए। लेखा रब मंगे सिया तू आयो केड़े कम, नानक फिक्का बोलीए तन मन फिक्का होए। इहनू साध संगत जी सोची बख्शो, और ये गुरमत अनुसार इसनू शिक्षा लैनी चाहिए है। सरदार हरमनजीत सिंह जी प्रधान साहब यह कहते हैं कि मनमोहन सिंह कोछड़ स्कूल अते गुरुद्वारे ते कब्जा करना चाहता है, जो सरासर गलत है। वाहिगुरु जी की कृपा दे नाल साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की बख्शिश नाल दास नू साध संगत ने पहला ही 12 साल गुरु घर की सेवा करन दा मौका दिता है। और दास ने तन मन अते धन दे नाल सेवा कीती है। साध संगत जी आप किसी भी ऐसे गुरसिख व्यक्ति नू जो ईमानदार होवे, जो एक्सपीरियंस होल्डर होवे, जो गुरसिख सिद्धांता दा धारनी होवे, आप उसनू ए सेवा दा मौका दे सकते हो। ये आप जी की मर्जी है, पूरी आप जी की मर्जी है, अते ना कि ऐसे व्यक्ति नू जो गुरमत दा धारनी ना होवे, जो कुत्तियां दा अते बैन बाजे गुरद्वारा साहब बजाए, ऐसे व्यक्ति नू नहीं जो गुरमत दा धारनी ना होवे। सरदार हरमनजीत सिंह जी आप जी कह रहे हो कि 50,000 तक कैश पेमेंट हो सकती है, जो इलीगल है। सैक्शन 40 सब सैक्शन 3 इनकम टैक्स के अनुसार कभी भी 20,000 तो पेमेंट उत्ते कैश देना यह इलीगल है। मैं आप जी नूं सैक्शन भी दस रहा, और मनु बड़ी खुशी हुई है कि तुसी यह कहा है कि मैं एडिट रिपोर्ट सरदार फुलका साहेब, सरदार तुलसी साहेब सीनियर एडवोकेट, सरदार कोहली साहब एक्स चेयरमैन PNB होंदे चेयरमैन पंजाब सिंध बैंक दे सरदार चरण सिंह जी, अते सरदार हरविंदर सिंह जी चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन्हां कोल मैं ऑडिट रिपोर्ट कराने नूं तैयार हाँ। तुसी मैनू किरपा करके इन्हां दे लैटर्स मैनू दे दो, ताकि सम्मानजनक मैं इह लैटर उन्हां नूं दे सकां, ते स्कूल दी एडिट रिपोर्ट हो सके, ते दुध दा दुध ते पानी दा पानी साबित हो सके। साध संगत जी मैं आखिर विच एक बेनती करांगा कि इस नू हर रोज़ सुखमनी साहब दा पाठ करना चाहिदा है, ताकि इहनू मन दे विच सुखां दी मनी वरते, इस ते ये मैं जरूर कहांगा, ते इह अपनी जबान उत्ते जिहड़ा है इह गुरमत अनुसार उसका धारनी बने। साध संगत जी मेरे कोई गलती हो गई होए तो उसकी मैं माफ़ी मंगना हाँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।